तो बेटा उससे बीच में एक प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने क्या करते हैं, क्वांटम थ्योरी देते हैं. क्या देते हैं? क्वांटम थ्योरी देते हैं, लाइट पर एक्सपेरिमेंट इसका करते सॉल्यूशन हैं. जो था वो बोर मॉडल से मिला। हाँ, बोर मॉडल ने दिया, बोर ने दिया. फिर हाँ बोर भी आगे जाके कई जगह फेल हुए, वो भी हम बताएंगे, पहले हम पढ़ते हैं बेटा. तो डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में उन्होंने बताया. तो लाइट का मतलब डुअल नेचर क्या हो गया बेटा? डुअल नेचर का मतलब हो गया कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, कैसे ट्रेवल ट्रैवल करती है. करती तो है बेटा इन्होंने बताया वो वेव नेचर भी दिखाती है और पार्टिकल ट्रैवल नेचर भी करती दिखाती है. है. अब ये वेव नेचर क्या है और पार्टिकल नेचर क्या है? तो बेटा वेव नेचर का मतलब होता है जब लाइट वेव में मोशन करे, वेव में मोशन करे मतलब कोई चीज अगर सामने आ रही है या तो बेटा उसके अंदर से निकल के डिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट हो हो जाए, जाए, रास्ता बदल ले, या रिफ्लेक्ट थोड़ी सी बैंड होकर निकल जाए, ठीक. और कई बार बेटा लाइट ऐसा भी करती है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है और कोई अगर बेटा ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो बिल्कुल वहीं पर रुक जाती है, ना टकरा कर वापस जाती है, ना आर पार हो पाती है. तो बेटा सीधी रेखा में जब चलती है, स्ट्रेट लाइन में जब मोशन होता है, तो उसको बेटा हम पार्टिकल नेचर बोलते हैं. और जब बेटा फ्लो, जब बैंड होती है, लाइट क्या होती है? बैंड होती है, तो उसको वेव नेचर बोलते हैं. ये दोनों तरह के कैरेक्टर कौन दिखाता है? लाइट दिखाती है. ये देखो मेरा हाथ बेटा आगे आ गया तो पीछे क्या बन गई? परछाई बनी. परछाई दिखाई दे रही है यहाँ पे मेरी. तो बेटा क्यों हुआ? क्योंकि मैं बीच में आ गया लाइट के और नीचे परछाई बनी. ये क्या है बेटा? लाइट का पार्टिकल नेचर हाँ दिखाता है. लेकिन यहाँ पर मैं एक शीशा लगा देता, प्रिज्म रख देता, तो क्या होता? बैंड हो जाती बैंड होती है, अपना है वेव नेचर मतलब दिखाती है. मतलब लाइट दोनों तरीके से होता अपना नेचर हाँ दिखा दिखाती देती है. है. हमने एक एक्सपेरिमेंट और किया था पाइप पाइप से बेटा. एक का बच्चा एक्सपेरिमेंट मोमबत्ती को किया देख रहा होता है छोटी हाँ क्लास में, 6th या 7th क्लास में. तो बेटा सीधा पाइप होता है तो उसको रोशनी दिखाई देती है, लेकिन जब पाइप मुड़ा होता है तो उसको दिखाई नहीं देती. लेकिन वहीं अगर वो एक बड़े पाइप के अंदर शीशे लगा दे मोड़ पे, तो उन शीशों के रिफ्लेक्शन से लाइट दिखाई दे जाती है. तो बेटा लाइट दोनों तरह का नेचर शो करती है, ये उन्होंने बताया. और बेटा उन्होंने एक बात और बताई कि लाइट जो होती है वो खुद एक एनर्जी ही तो है. तो जो जो लाइट के जो पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, वो प्रोटॉन भी नहीं है, वो क्या है? वो है फोटोन. क्या बोला? लाइट के फोटोन. पार्टिकल्स को उन्होंने फोटोन बोला. क्यों बेटा? उनके अंदर कोई मास नहीं होता, कोई मास मास नहीं नहीं होता, होता है. कोई वजन नहीं होता है. तो इलेक्ट्रॉन में तो मास होता है, प्रोटॉन में मास होता है, इनके अंदर नहीं होता. तो ये होते हैं फोटोन, या इनको हम क्वांटा भी बोल देते. क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटम. क्वांटम क्या बोलते हैं बेटा? या तो क्वांटम क्वांटम या या बेटा फोटोन. फोटोन. मतलब फोटोन जो होता है ना, अगर दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, तो बेटा उसको क्वांटम बोल देते हैं बस, है ना. वैसे या वैसे उल्टा समझो इसे, मैंने उल्टा बता दिया. ऐसा क्वांटम जो कि दिखाई देता है, रोशनी दिखाई देती है ना, या दिखाई देने में मदद करती है, चमकती है, तो उसको फोटोन बोल देते हैं, ठीक है. तो क्वांटा एक ऐसी एनर्जी होती है बेटा जिसके अंदर मास जो दिखाई नहीं देती होता. नहीं तो इन्होंने ये बोला कि जिस ये मान लो ये बल्ब है, इस बल्ब सोर्स से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. मान लो तुम खड़े हो, तुम्हारे तक लाइट आ रही है, तुम्हारे ऊपर लाइट पड़ रही है इस बल्ब से. तो इस बल्ब से आने वाली लाइट की जो आ रही है वो किस फॉर्म में आती है? वो क्वांटम क्वांटा आते रहते हैं धीरे धीरे. पूरे को बोलते हैं क्वांटा और एक को बोलते हैं क्वांटम 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 क्वांटम. और आप तक बहुत ज्यादा है, और वो जो भी एनर्जी उस बल्ब से आ रही है आपकी तरफ, वो आप में एब्जॉर्ब हो जाती है. देखा है ना, बहुत हैवी कोई लाइट जल रही है उसके आगे का खड़े हो जाओ, गर्म हो जाता है, गर्मी लगने लगती है. पहले जो बल्ब होते थे ना सीएफएल से पहले, एलईडी से पहले, बहुत गर्मी लगती थी उन बल्बों से. इतनी गर्मी जीरो वाट लगती थी 100 वाट के बल्ब जो होते थे, या मरकरी जो होती है ना उसमें जलती है लाइट. अब तो बेटा वहां भी एलईडी जलने लगी, नहीं तो वो इतनी तेज होती थी कि आदमी को गर्मी लगना चालू हो जाती थी उसमें, है ना. शादी के शादी टेबल में आग लग वगैरह जाती थी उसमें, ठीक है. ठीक है, अब बेटा एक याद रखना एक चीज और. हाँ, अब मैंने तुमको बताया कि बेटा क्वांटम जो होता है वो किस तरीके से मूव करता है. बेटा क्वांटम इस तरीके से मूव करते हैं, डिस्क्रीट और इंडिविजिबल. क्या? इंडिविजिबल. इसका मतलब बेटा क्वांटा ऐसे मोशन करते हैं कि एक बारी में जाके ये नहीं खत्म हो जाए, वो बेटा पार्ट बाय पार्ट जाते रहते हैं. पार्ट बाय पार्ट मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह की फॉर्म्स में जाते हैं बेटा. टूटा हुआ नहीं जाता, इसमें होता आधा क्वांटा चला गया, फिर डेढ़ क्वांटा चला गया, फिर दो ढाई क्वांटा चला गया, ये नहीं होता. या तो एक होगा, या दो होगा, या तीन होगा, फिर चार होगा. इस तरीके से बेटा वो मूव करते हैं, ठीक है. अगला फिक्स वैल्यू है. क्या? फिक्स वैल्यू रहती है हमेशा, एनर्जी रिलीज की फिक्स वैल्यू रहती है. और बेटा कोई भी सोर्स हो, वो हर टाइम अपनी एनर्जी नहीं छोड़ता, वो बेटा फिक्स समय पे फिक्स क्वांटिटी में अपनी एनर्जी को देता है. हर वक्त बेटा वहां से एनर्जी नहीं निकल सकती, नहीं तो बेटा वो सोर्स ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा या बेकार हो जाएगा, ठीक है. अच्छा. और बेटा ये एक फॉर्मूला आता है ई इज्क्वल्स टू एच मी यू. अभी ई क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, किसी फोटोन की एनर्जी, ठीक है. और बेटा म्यू का फॉर्मूला हम 10th में सीखा होता है सी बाय लैम्डा. ये लैम्डा क्या है? वेवलेंथ. और म्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ हम कहाँ पढ़ के आए थे? साउंड चैप्टर में. इसका मतलब साउंड भी एक एनर्जी है. बिल्कुल, साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है. अगला देखो, एनर्जी ऑफ अ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक. इसका ये फॉर्मूला बताता है ना हमको, इज इक्वल्स टू क्या है? एच म्यू मतलब न्यू, न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी. रेडिएशन की क्या है? फ्रिक्वेंसी. तो एनर्जी बेटा फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है. जितनी तेज फ्रिक्वेंसी होगी, जितनी तेज लाइट ट्रेवल कर रही होगी, जितनी हैवी लाइट होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है. अगला क्या है? इज इक्वल्स टू एच म्यू. एच का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट. सबसे पहले इसे ढूंढने वाले कौन थे भाई?
कौन थे, प्लैंक नाम के साइंटिस्ट। तो बेटा किसी का बराबर जब हटाना होता है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर बराबर इक्वल लगाना होता है, तो वहां पे कांस्टेंट फिट करना पड़ता है। तो ये एच क्या है, ये एच है प्लैंक कांस्टेंट, अगर कोई पूछ ले तो। और उसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻³² जूल पर सेकेंड प्लैंक कांस्टेंट की। ये बेटा आगे कुछ क्वेश्चन होंगे तब मैं बताऊंगा, अभी इस चैप्टर में इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, टेंशन मत लेना, हो सकता है दे रखा हो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ठीक है, अगला। अब तो मैं पहले बताया बेटा फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अब ये सी क्या है, लैम्डा क्या है, भाई सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, क्या है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी बेटा, जितनी तेज उसकी स्पीड होगी और जितनी बड़ी बड़ी उसकी वेव की लेंथ होगी, वेव की लेंथ होगी। ठीक, अब वी यहाँ पे म्यू की जगह पे फिट कर दो, म्यू की जगह पे फिट कर दो, तो क्या था एच इक्वल टू एच एच म्यू, तो म्यू की जगह पे फिट कर दो सी बाय लैम्डा। तो फॉर्मूला क्या होगा, ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, एच इज वेवलेंथ। ठीक है बेटा, इस तरह से कभी क्वेश्चन भी इससे आ सकता है। अगला, इफ क्वांटम रिलीजेस, इसने बोला एनी वैल्यू, अगर बोलेगा भाई एन क्वांटम रिलीजेस, बोलते हैं भैया इतने क्वांटा निकले, किसी से इतने क्वांटा निकले, फोटोन निकले, यार इतने फोटोन निकले, तो नंबर ऑफ फोटोन अगर गिवन हो तो बस एन जोड़ देना इस फॉर्मूले में, क्या एन जोड़ देना बस, एच सी बाय लैम्डा सेम बस एन, एन क्या होगा भैया जितने भी नंबर ऑफ फोटोन बोले या क्वांटा बोले फिट कर देना इसके अंदर। अगला देखो भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी कैन रिलीज ओनली फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। याद रखना बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, वो कहता है भैया कोई भी सोर्स हो जहां से एनर्जी आ रही हो या लाइट आ रही हो, वो बेटा कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही देगा, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, सारी एनर्जी नहीं देगा और हर समय एनर्जी नहीं देगा बेटा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा और वो भी फिक्स टाइम पर देगा या टाइम टू टाइम देता रहेगा, लेकिन हमेशा नहीं देता रहेगा, फिक्स अमाउंट पे देगा। क्यों? क्योंकि बेटा उसे खुद भी तो स्टेबल रहना है, सब कुछ दे देगा तो उस पर क्या बचेगा, है ना, सब कुछ दे देगा तो उस पर क्या बचेगा, काम खराब हो जाएगा, ब्लैक बॉडी बन जाएगा वो, और ब्लैक बॉडी हमारी पूरी धरती पे मिलती नहीं। ब्लैक बॉडी कौन है, ऐसी बॉडी, ऐसी चीज जो अपनी सारी एनर्जी दे दे, उसके अंदर जीरो एनर्जी हो, कुछ हो ही ना, खोखला, तो उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और ऐसी बॉडी बेटा अंतरिक्ष में मिल सकती है, अर्थ पे तो कोई है नहीं। ठीक है, अच्छा।